ये किसी किसी व्यक्ति को कभी भ्रम हो जाता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। परमपिता परमेश्वर सब चीज़ें तय करता है। अब जो जीवन में कुछ करने के लायक नहीं होता, जिसको नालायक शब्द यूज़ किया जाता है, वही घर घर के दरवाजे पर जाकर कहते हैं बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वो भी यही कर रहा है, कालका जी बधाई हो, संगम यार बधाई हो, देवली बधाई हो। अब घर में किसी के में अच्छा जब प्रकरण होता है तो बधाई हो देने कौन कहने वाले आते हैं, कौन आते हैं? वो केजरीवाल को काम परमात्मा ने दे दिया है, उनसे तुलना कीजिए केजरीवाल साहब की, है ना, कि वो किसी कार के रहे नहीं समाज के अंदर, इन्हीं प्रकार के लोगों के हैं वो। बधाई हो ताली बजाना शुरू और करने वाले हो, अभी जब 2 महीने का चुनाव हो जाएगा तो ताली बजाकर बधाई हो बधाई कहेंगे वो, ठीक है ना। सर 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आ रहे थे तो उनके घोषणा पत्र में पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं के लिए 20 कॉलेज खोलने वाली बात कही गई थी। अब अगर उनके विधायकों से या उनके किसी भी नेताओं से पूछा जाता है तो उनका सिर्फ एक ही कहना है कि एल जी हमें परमिशन नहीं दे रहे, क्या कहेंगे? 4 साल तक ये बधाई हो बधाई को होल्ड नहीं रखा, 4 साल तक नहीं रोका एल जी ने, 4 साल तक रोक कर रखा तो अब नहीं रोका? अब क्यों बधाई कर रहा है? अब क्यों कह रहा है सीवर में डलवाऊँ हैं? एल जी का कोई ग्राम सभा की जमीन इनके पास है, कौन रोक देगा? मैंने दक्षिणी दिल्ली के अंदर जमीन मांगी 3 साल में, आज तक केजरीवाल ने जमीन नहीं दी मुझे। मैंने मेरे चिट्ठियाँ लेटर हैं उसका जवाब है उसके विधायक को, उस विधायक का नाम बताओ, मैं उसे फ़ोन पर तुम्हारे सामने मिला के बात करता हूँ कि तुम्हारे बापू से मैंने जमीन मांगी 48 बीघा। लेफ्टिनेंट गवर्नर परेशान हो गया, DC बेचारी परेशान हो गया, आज तक जमीन नहीं दी वो। तो इसीलिए वो अपने चोरों के झगड़े में बंटवारे पे होते हैं, सत्ता तो कब्जा ली, अब बंटवारे पे उनके जो 67 विधायक थे वो सब चोर हैं, वो बंटवारे पे लड़ रहे हैं आपस में। तो कभी कुमार विश्वास से नाराजगी, कभी प्रशांत भूषण से नाराजगी, कभी कपिल मिश्रा से नाराजगी, कभी साडू को जेल से बचाना है, 4 साल उसी में बीत गए। तो भ्रष्टाचार में जो झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो उनको पॉलिसी बनाने का, मीटिंग करने का, योजना बनाने का टाइम कहाँ मिला है? इसलिए 4 साल में कुछ कर तो नहीं पाए, आपस में चोर लड़ रहे हैं, इसलिए बहाना बनाते हैं कि एलजी हमें जमीन नहीं लेने दे रहा है। सर केजरीवाल का ये भी कहना है कि पूर्ण राज्य के लिए बीजेपी मोदी जी ने घोषणा पत्र में कहा था, लेकिन अब मुकर रहे अपनी बात। अब पता नहीं केजरीवाल तक आप पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे, पर मेरे सुझाव है केजरीवाल जी के पास जाइए। आप जिस कांग्रेस के तलवे चाटने को चार तैयार बैठे हो, जब 1991 में NCT एक्ट बना था तो कांग्रेस सरकार में थी। आज दिल्ली का जो कानून है, दिल्ली जो पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली के पुलिस और दिल्ली की जो अर्बनाइज लैंड है वो अगर सेंटर के पास है तो कांग्रेस ने कानून बनाया था, मोदी जी बीच में कहाँ से आ गए और वो कांग्रेस के तलवे चाट रहे हैं। तो अब कांग्रेस के तलवे चाट कर कांग्रेस से मिलाकर जिस कांग्रेस ने पहले वो कानून बनाया वो पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगी क्या? ये पूछो केजरीवाल से मेरी तरफ से आप, ठीक है ना। हाँ, ये मोदी ने नहीं बनाया सीट एक्ट, 1991 में बना था, कांग्रेस सरकार में थी। अमर जी थोड़ा सर, ये फोर फेज की जो मेट्रो है, 6 विधानसभाओं को आखिर कब तक इसकी उम्मीद है मिलने की? केजरीवाल ने रोक रखा है, कह रहा मैं अपने हिस्से के पैसे नहीं दूंगा, ऐसा समझता है उसके बाप के पैसे हैं, दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर के पैसे हैं वो सारे के सारे, 54 हज़ार करोड़ रुपया का बजट है, क्यों नहीं दे रहा? केजरीवाल जिस दिन लिख के दे देगा कि मैं 50% पे देश भर में जो मेट्रो चल रही है उसी पैटर्न पे दिल्ली में भी 50% सेंटर 50% दिल्ली खर्च करेगी, मेट्रो अगले दिन शुरू हो जाएगी। पैसा देने को मना करता है, देता ही नहीं।